बड़ी खबर ललितपुर से है, जहां पर जमीन के विवाद में दबंगों का कहर देखने को मिला है। दलित शख्स को खेत में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, शख्स को लाठी डंडों से पीटा गया, पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया उसे। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर ललितपुर से, और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दलित शख्स को खेत में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जमीन के विवाद में दबंगों का कहर देखने को मिला है। दलित शख्स को खेत में दौड़ा कर पीटा गया, शख्स को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से बेरहमी से पिटाई हो रही है। जमीन विवाद का पूरा मामला था और इसमें लाठियां चलने लगी। बड़ी खबर इटावा से भी है, युवती को बंधक बनाकर मारपीट की गई, छेड़खानी का आरोप है। 8 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी युवती, युवक और उसके परिजनों पर युवती ने आरोप लगाया है। पीड़ित युवती ने वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया है। पुलिस ने बंधक बनी युवती को रिहा करा लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से है, जहां पर गंभीर आरोप लगे एक परिवार पर। युवती को बंधक बनाकर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगा है। 8 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी युवती, युवक और उसके परिजनों पर युवती ने आरोप लगाया है। पीड़ित युवती ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। पुलिस ने बंधक बनी युवती को रिहा करवा लिया है। और अब बड़ी खबर रुद्रपुर से आ रही है, ट्रांजिट कैंप में बदमाशों ने युवती को पीटा है, युवती की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दीपावली पर पटाखों को लेकर विवाद हुआ था, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो दीपावली पर पटाखों को लेकर विवाद हुआ, और देखिए किस तरीके से केस से मारपीट वहां हो गई। ये सीसीटीवी तस्वीरें सामने हैं आपके। युवती को पीटा गया, पटाखों को लेकर विवाद छिड़ा था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, कार्रवाई हो रही है। और बड़ी खबर रायबरेली से है, एम्स के सामने अतिक्रमण हटाया गया, सड़क किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे, तो यहां पर जिस तरीके से अतिक्रमण था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। रायबरेली में एम्स के सामने जो अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था उस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। सड़क किनारे अतिक्रमण को खारी करवाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट नगर पालिका के अधिकारी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। तो देखिए रायबरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एम्स के सामने जिस तरीके से बड़ी मात्रा में अवैध अतिक्रमण हो गया था उसको खाली करवाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।